बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मेन FPS कंट्रोल्स ऐड करेंगे फॉर द प्लेयर, और उसके लिए हमें प्लेयर प्रीफैब को लेके आना है सीन में। सो लेट्स गो टू रिसोर्सेज और प्लेयर प्रीफैब को ऐड करते हैं टू सीन। एंड द थिंग इज़ के हम स्टैंडर्ड एसेट्स को यूज़ कर रहे हैं फॉर द मूवमेंट, और उसके लिए आपने स्टैंडर्ड एसेट्स को इम्पोर्ट कर लेना है फ्रॉम एसेट स्टोर। और स्टैंडर्ड एसेट के अंदर जो हमें मेन चीज़ें चाहिए वो सिर्फ ये चार चीज़ें हैं, यानी कैरेक्टर्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म इनपुट्स, एडिटर और यूटिलिटी। इसके अलावा जो भी आपके डेमो सीन्स वगैरह हैं या बाकी चीज़ें हैं, कार रिलेटेड फोल्डर्स हैं, तो उनको आप अनचेक कर सकते हैं। सिर्फ इन चार फोल्डर्स को आप इम्पोर्ट कर लें। जब हम इन चार फोल्डर्स को इम्पोर्ट कर लेते हैं, देन वी हैव सम स्क्रिप्ट्स। तो हम प्लेयर प्रीफैब पे जाते हैं और यहाँ पे एक नया कंपोनेंट ऐड करते हैं, विच विल बी FPS सॉरी रिजिड बॉडी फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर स्क्रिप्ट। ओके, तो ये जो स्क्रिप्ट है इसमें सबसे पहले ये आपको कैमरा ले रहा है, एंड देन इट हैव ए मूवमेंट सेटिंग, माउस लॉक अनलॉक ऑप्शंस भी हैं और एडवांस सेटिंग्स भी हैं। यहाँ पे हम एयर कंट्रोल को भी इनेबल कर लेते हैं, एंड नाउ वी कैन ऐड द कैमरा फॉर द प्लेयर। सो प्लेयर के लिए कैमरा ऐड करने के लिए डेफिनेटली इनसाइड द प्लेयर प्रीफैब हम एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इसको नाम देते हैं कैमरा होल्डर का। एंड देन फॉर दिस कैमरा होल्डर आप देख सकते हैं कि ये कैमरा होल्डर तकरीबन जहाँ पे आ रहा है, सो इनसाइड दिस कैमरा होल्डर हम एक कैमरा क्रिएट कर लेते हैं। एंड ये वाला जो ओल्ड कैमरा है हमारा, इसको हम डिलीट कर देते हैं, वी डोंट नीड इट। और ये कैमरा जो है अब हमारा नया कैमरा होगा। डेफिनेटली द पोजिशनिंग इज़ नॉट गुड, तो हम ये वाला गेम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं विच इज़ कैमरा होल्डर, और इसको ऊपर लेके आते हैं। एंड हेयर यू कैन सी कि हमारे कैमरा का व्यू अब कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रहा है, विच इज़ आल्सो नॉट गुड, क्योंकि हमारा जो जो गन है वो ऊपर है थोड़ा। ओके, गन एंड उसके हैंड्स जो है वो ऊपर है, और हमने उसके मुताबिक कैमरा को एडजस्ट करना है। सो वी कैन मूव इट लाइक दिस, और एक्चुअली मैं कैमरा को मूव कर रहा हूँ विच इज़ नॉट नीडेड। और हम कैमरा का व्यू देखने के लिए गेम को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे कैमरा व्यू देख पाएँ। एंड देन वी कैन सेलेक्ट द कैमरा गेम ऑब्जेक्ट और इसको ऊपर लेके आते हैं समथिंग लाइक दिस, और यहाँ से हम इसको यहाँ पे आई थिंक एडजस्ट कर लेते हैं, विच इज़ गुड। ओके, दैट्स गुड। और एक और चीज़, हम कैमरा का जो क्लिपिंग है यहाँ पे, अगर आप गेम व्यू में देखें, तो अगर हम कैमरा को सेलेक्ट करें तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, वी हैव ए क्लिपिंग प्लेन्स ऑप्शन एज वेल, और इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं फॉर बेटर व्यू अगर आप करना चाहें। तो 0.3 है, जिस तरह से इसको अगर हम 0.5 करें तो ये आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट आपको व्यू देगा, एंड अगर इसको हम 0.1 करें तो ये मज़ीद इस तरह का व्यू दे रहा है। और इसको हम 0.2 पे रखते हैं, और दिस व्यू इज़ बेटर आई थिंक, इसमें हैंड्स भी नज़र आ जाएंगे। एंड अगेन आई विल सेलेक्ट दिस थिंग विच इज़ कैमरा होल्डर, और इसको थोड़ा सा हम नीचे मेरे ख्याल से ले आते हैं, और आप देख सकते हैं ये हैंड्स की आर्म्स की बैक साइड हमें नज़र आ रही है, विच इज़ नॉट गुड। तो हमें थोड़ा सा इसको जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। सो जस्ट मेक इट 5-0, और ये जो सी इंडेक्स है इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाते हैं, और यहाँ पे आई थिंक ठीक है, ये गन हमें नज़र आ रही है। एंड वन मोर थिंग इज़ के ये जो गन है, अगर हम इसको क्लोज कर दें, विच इज़ दी मेन कैरेक्टर बॉडी, इसको अभी हम हाइड कर देते हैं,
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैंड जो है ये गन के साथ जो है वो थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा ड्यू टू सर्टन रीजंस, और फिंगर आप देख सकते हैं ऊपर है हालांकि, लेकिन गन नहीं यहाँ पे सही तरह से शो हो रही। सो वी कैन मूव दिस गन अ लिटिल बिट डाउन, और अगर आप इसको नीचे लेके आना चाहें तो यू कैन डू सो, बट आई थिंक के ये है हमारे पास गन, इसको थोड़ा सा हम नीचे अगर लेके आए तो आप देख सकते हैं कि ग्रिप जो है वो जब हम लेते हैं यहाँ पे तो हमारी फिंगर्स आलतों के यहाँ पे अजीब सी नज़र आती हैं, लेकिन अगर हम गेम व्यू में देखें तो यही वाली साइड नज़र आ रही है, तो आई थिंक के दैट्स गुड, इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर ली हमने विच इज़ गुड आई थिंक, और ये ग्रिप हमें अच्छे तरीके से नज़र आएगी। ओके इसको सेव कर लेते हैं एंड नाउ वी विल जस्ट मूव बैक, और इसको दोबारा से इनेबल कर लें नो प्रॉब्लम, वी आर जस्ट टेस्टिंग इट आउट, बल्कि इसको डिसेबल करते हैं ताकि हम सिर्फ हैंड्स को चेक कर सकें, और नाउ वी कैन टेस्ट इट आउट आई थिंक, और अगर हम इसको प्ले करते हैं गेम को तो होपफुली वी विल प्ले द गेम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमें एरर आ रहा है विच इज़ फर्स्ट नॉट बीन असाइंड। हाँ ओके हमने कैमरा को असाइन नहीं किया। आल्सो वन मोर थिंग कि ये जो कैमरा है इसको हम पहले असाइन कर लेते हैं, और वन मोर थिंग कि इसको हम ऑफ करते हैं प्लेयर सेटअप स्क्रिप्ट को फॉर टाइम, और दोबारा से इसको इनेबल कर लेंगे जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज़, हमने इसको जो है डिसेबल किया है। एंड वन मोर एरर आ रहा है जी कि हैज़ नॉट बीन लोडेड बिकॉज आई इट हैज़ ओके आज ये तो ठीक है कैमरा भी ठीक है। सो व्हाट इज़ दिस एसेट एरर पन बेसिक लॉन्चर कुडंट बी लोडेड Not been added to the build settings on the asset bundle has not been loaded. Scene. अच्छा ये आई थिंक फजूल का ही एक एरर है, इसको हम बाद में देख लेंगे। एंड नाउ यू कैन सी कि हम इस तरह से मूव कर रहे हैं विच इज़ गुड, बट आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा इसका जो स्टॉपिंग टाइम है ये एक तो कम है ओके यानी ज़्यादा है, इसको मज़ीद जल्दी स्टॉप होना चाहिए। एंड दी अदर थिंग इज़ के हैंड जो है वो कैमरा एडजस्टमेंट थोड़ी सी हमें जी इंडेक्स पे एडजस्ट करनी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी कैन जस्ट गो टू कैमरा दिस वन, और जहाँ से हम जी एक्सेस पे इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं टू समथिंग लाइक दिस आई थिंक, और ये क्लिपिंग मास्क जब हम थोड़ा सा दुरुस्त करेंगे तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। सो आई थिंक ये वाला पॉइंट ठीक रहेगा विच इज़ 0.12, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और आल्सो द गन पोजिशन इज़ लिटिल बिट आप देख सकते हैं कि मेरे ख्याल से सीधी नहीं है, और ये थोड़ा सा टेढ़ी है गन हमारी, तो इन दो चीज़ों को हम दुरुस्त करते हैं। सो पहले तो कैमरा होल्डर जो था इसको हम पेस्ट कर लेते हैं न्यू वैल्यू 0.12, सेव करते हैं प्लेयर प्रीफैब पे जाते हैं, और यहाँ पे आपके पास एडवांस सेटिंग में एक ऑप्शन आ रहा है विच इज़ शो डाउन स्लो डाउन रेट, और इसको हम 150 तक रखते हैं। वन मोर थिंग इज़ कि हम इस स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं और इसके अंदर एक चेंज कर लेते हैं फॉर द बेटर मूवमेंट्स। तो इस स्क्रिप्ट में
अराउंड 160 के लगभग हमें कोड मिलेगा फॉर द रिजिड बॉडी। तो 167 पे ये कोड आ रहा है, इसको हम डिसेबल कर देंगे फॉर द रिजिड बॉडी ड्रैग। और आल्सो सॉरी नॉट दिस वन, दिस वन जो कि यहाँ पे अप्लाई है रिजिड बॉडी ड्रैग। और आल्सो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एंड यहाँ पे ये जो एल्स है यानी इफ स्टेटमेंट में हमने इसको डिसेबल कर दिया एंड देन वी विल डिसेबल इट इन एल्स स्टेटमेंट एज वेल। तो स्क्रिप्ट को सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद हम चले जाते हैं यूनिटी एडिटर में वापस। और यूनिटी एडिटर में आपको रिजिड बॉडी नज़र आ रही है ऊपर, सो जस्ट गो टू रिजिड बॉडी। और इसमें ड्रैग फैक्टर को हम 5 रखते हैं यहाँ पे कस्टमली एंड सेव करते हैं एंड लेट्स प्ले द गेम और देखते हैं कि आप ये कैसा लगेगा। होपफुली अब ये बेहतर हो गया होगा। सो अब ये आप देख सकते हैं मूवमेंट काफ़ी बेहतर हो चुकी है पहले से एंड दैट्स ग्रेट। और ये हमारी बेसिक मूवमेंट जो है वो ऐड हो चुकी है फॉर द प्लेयर। आल्दो के हैंड्स को आपको थोड़ा सा क्लिपिंग मास्क का इशू है जिसकी वजह से ये इस तरह से नज़र आ रहे हैं, तो वी विल एडजस्ट दिस लेटर ऑन। और अगर आप हम प्लेयर स्क्रिप्ट को सॉरी कहाँ का प्लेयर सेटअप इसको इनेबल करके अगर हम इसको भी इनेबल कर लें एंड लेट्स टेस्ट इट आउट, होपफुली अब एरर नहीं आना चाहिए। फॉर सम रीज़न ये एरर अभी भी आ रहा है, बिट सेटिंग एसेट बंडल नॉट बीन लोडेड एंड विच इज़ इन गेम मैनेजर CS57। तो इसको देख लेंगे। एनी हाउ आप देख सकते हैं करेक्टर मूवमेंट हमने ऐड कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे एंड इफ यू गो टू गेम मैनेजर तो फिर FIFA इज एडिट एंड इस एरर को बाद में देख लेंगे कि व्हाट इज़ दिस और इसको किस तरह से सॉल्व किया गया। ऑल्दो यू कैन सी कि गेम सीन भी यहाँ पे मौजूद है और लोगो सीन भी यहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।